जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्हें आतंकवादियों ने पुंछ के सोनकोट के अंदर हमला किया। कायर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया जिससे हमारे भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आज पूरा देश जो है गम के माहौल के अंदर है, लेकिन हम शहीद परिवारों से कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा इस कायराना है। इसलिए पाकिस्तान और आतंकवाद जो है बुखला गया है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। आज आपके मन से पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके हालात और ख़राब हो गए, और हमें भारतीय जवान के ऊपर पूरा विश्वास है। जिन आतंकवादियों ने भारतीय जवानों को शहीद किया है, हमारे भारतीय जवान उनको मौत के घाट उतारेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करेंगे कि गुलाम कश्मीर पे अटैक किया जाए, और प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि गुलाम कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए। जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन रजौरी पुंछ के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जनवरी के अंदर रजौरी में डांडरी के अंदर 7 लोगों को मारा गया, अप्रैल के अंदर पुंछ के अंदर भारतीय सेना की गाड़ी के ऊपर हमला करके 5 जवान शहीद किए गए, मई के अंदर रजौरी के अंदर 5 जवानों को शहीद किया गया, नवंबर के अंदर 2 हमारे भारतीय कैप्टन और 3 जवान पुंछ के अंदर शहीद किए गए। इससे लगता है कि रजौरी पुंछ के अंदर जो है आतंकवादी घटनाएँ जो बढ़ रही हैं। हमारी ये माननीय गृह मंत्री से अपील है, गृह मंत्री जी से अपील है, रजौरी पुंछ में सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए, और जब तक हम गुलाम कश्मीर पर अटैक नहीं करेंगे तब तक जो है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी हरकतें जो है बार बार करें। हमारी फिर प्रधानमंत्री जी से अपील है जो गुलाम कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।